अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शाहजेब तारक। क्या करते हैं? फैब्रिकेशन। ठीक है, मेरा आज का टॉपिक ये है कि अगर एज ए पाकिस्तानी मैं आप से पूछा जाए एज ए पाकिस्तानी कि मुझे ये बताएं कि मजहब पहले आपके लिए या फिर आपके लिए पाकिस्तान पहले है, क्या जवाब देंगे? मजहब। मजहब पहले है, उसकी कोई एक रीजन बताएं। मजहब मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मुसलमान है इसलिए हमारे लिए मजहब पहले है। ठीक है, अच्छी बात है। अब ये बताएं कि हमारा मुल्क किस बुनियाद पर बना? इस्लामी रियासत के लिए। इस्लामी रियासत थी, यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो इस्लाम के मुताबिक हो रहा है, हमें सजाएं इस्लाम के मुताबिक मिलती हैं। अगर बात किया जाए बैंकिंग सिस्टम को, वो इस्लाम में जायज़ है, वो तो नाजायज़ है। अगर सूद की बात करें वो भी नहीं इस्लाम में, तो फिर हमारा जो निज़ाम है पूरे पाकिस्तान को, वो इस्लाम के मुताबिक चल रहा है? नहीं, नहीं चल रहा। नहीं चल रहा, तो फिर ये क्या बात हुई? एक तरफ हम कहते हैं हम मजहब पहले है, अगर मजहब पहले है तो फिर सारा कुछ मजहब के मुताबिक क्यों नहीं चलाते? बस इंसान कुछ ऐसे है ना जो मजहब के मुताबिक नहीं चलते हैं। चले कुछ ऐसे हैं, बाकी सारे ऐसे हैं, तो बाकी कोई बताएं तो आज तक किसने मजहब के मुताबिक पाकिस्तान को चलाया? इन काफी लोग हैं यार ऐसे, कोई बताएं ना, कोई किसी एक हुक्मरान का नाम बताएं। हुक्मरान तो कोई भी नहीं है कायद आजम के अलावा, उनके अलावा है कोई नहीं, अगर कोई है तो आप बता दें। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो आवाम में ऐसे आ जाता हूँ, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताएं। अगर कायद आजम के अलावा आपको कोई हुक्मरान नजर आता तो वो मुझे बताएं ना, क्योंकि था यार कोई ऐसा था कोई इस्लाम के, जी जी कोई ऐसा था जो इस्लाम में, तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि एक साइड पे हम ये कहते हैं कि इस्लाम सबसे पहले है, लेकिन जब अपने निज़ाम की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें इस्लाम नजर नहीं आता। बेशक ऐसा ही है। उसकी क्या वजह है और उसे कैसे? उसकी वजह भूख है, जो हुक्मरान पैसा खा गए हैं। जो हमारे हुक्मरान है वो मुसलमान नहीं? मुसलमान है सब, उन्हें इस्लाम से प्यार नहीं? अगर आप ऐसे ना काफी अर्सा पीछे चले जाएं, जो भी ड्रामा भी चल रहा है अतुल गाजी और उस्मान वाला, तो उनमें भी कुछ ऐसे मुसलमान थे ना, उनमें भी कुछ ऐसे मुसलमान थे जो यानी कि उनसे इतफाक नहीं करते थे, कहलाते वो मुसलमान ही थे लेकिन वो दूसरों की तरफ पैरवी करते थे। यानी कि सबसे मेन बात यह है कि अगर इस्लाम के टॉपिक पर हम चलें, अगर इस्लामी रियासत पर हम चलें, तो हमारे मुल्क का जो निज़ाम है वही धर्म भरम हो जाएगा। इस्लाम के मुताबिक चलेंगे तो धर्म जी वो ऐसे कि अपना जो कानून ले लें आप, आपका जो कानून है जैसा कि कानून है कि चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाए, इस्लाम में ऐसे है, आंख के बदले आंख है, जान के बदले जान है, लेकिन ऐसे नहीं है ना। कोड़े अगर कोई जना करेगा या किसी के साथ लड़की के साथ ज्यादती करेगा उसे कोड़े मारे जाएंगे? हाँ जी ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बात कर रहा हूँ, आपने ये जो बात की है कि अगर इस्लाम के मुताबिक चलेंगे तो धर्म भरम हो जाएगा, इसकी मुझे समझ नहीं आई। तो यही वजह है ना भाई, यही वजह है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप चोरी करते हैं, आपका हाथ काट देता हूँ, आपको तो सजा मिल गई है, लेकिन गवर्नमेंट मुझे सजा देगी इसकी क्यों? ठीक है, तो फिर ऐसे इसका मतलब हम कंफ्यूज हैं। अगर आप पढ़े लिखे इस बात को समझे मेरी इस बात को कि हम कंफ्यूज हैं, कहते हम कुछ हैं कि हम मुसलमान हैं, हमें इस्लाम से बहुत प्यार है, करते हम कुछ हैं, तो इसी चक्कर में ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे। देखिए ना, सबसे पहले यह है कि गुस्ताखी रसूल जो है वो यानी कि उनको जो वैसे भी ना कत्ल कर देना चाहिए। इंडिया में जो हुआ अभी किसी लड़की ने जो कहा था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान में गुस्ताखी की थी, आपने पाकिस्तान में देख रही है किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। इंडिया के मुसलमान देखें, इंडिया के मुसलमानों ने जितना उठाया उतना किसी ने भी नहीं उठाया, और फिर भी हम कहते हैं इंडिया के मुसलमान बड़े जो है उनके जुल्म किया जा रहा है। बात अगर मुसलमान देख रहे हैं तो इंडिया में देखे जहाँ पर उनकी इज्जतें भी महफूज नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने किते पे पक्के हैं, फिर भी वो अपने किते पे पक्के हैं। कश्मीर देख लें आप, वहाँ पे किसी लोग की कहना किसी बंदे की कोई इज्जत महफूज है नहीं है। आपको ये कौन बता यार? ना जर्नल नॉलेज यार, थोड़ा फेसबुक पे तो अगर आप मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, वो तो फिर हमारे मुल्क के बारे में बड़ा कुछ आता है, तो फिर हम उसको भी मान। यार अपने मुल्क के बारे में होता तो आता है ना, ऐसे तो नहीं है ना। अगर आप गलत नहीं है तो आपके बारे में कोई गलत कैसे कहेगा? अगर आप गलत नहीं है तो मैं आपको क्यों गलत कहूंगा? अगर आप गलत है तो मैं आपको गलत कहूंगा ना। ये कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे लास्ट में यही पूछूंगा कि आप मुझे बताएं कि क्या अब जो सिचुएशन बन चुकी है, जो एक माहौल बन चुका है, जो एक हम लोग कर्ज की दलदल में फंस चुके हैं और दूसरे बहुत से मसाइल हैं, इस टाइम अगर हम इस्लामी निज़ाम लाएं तो क्या हम इन परेशानियों से निकल सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं निकल सकते, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद नदीम। क्या करते हैं? जॉब करते हैं। अभी आप करते हैं? जबरदस्त। मेरा आज का जो टॉपिक है जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके लिए मजहब पहले है या फिर आपके लिए पाकिस्तान पहले है एज ए पाकिस्तानी, तो आप क्या जवाब देंगे? पहले मजहब है इस्लाम जो है, इस्लाम सबसे पहले, सबसे पहले इस्लाम है, उसके बाद बाकी मुल्क जो भी है बाद में है। ठीक है, तो हमारा मुल्क किस बुनियाद पर बना था, मजहब की बुनियाद पर बना था?
इसका ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से उसी की बुनियाद पर बना है, मजहब की बुनियाद पर बना था। दो कौमी नजरिया भी यही था कि हम जो उनसे अलहदा होना चाहते हैं और मुसलमान अपनी इधर मर्जी से मजहब जो इस्लाम है उसको फॉलो कर सके। तो अब आप ये बताएं, मजहब के नाम पे हमने मुल्क तो बना लिया, क्या यहाँ पर आपने ईमानदारी से जवाब देना कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, जो निज़ाम चल रहा है, वो मजहब के मुताबिक चल रहा है? नहीं, मजहब के मुताबिक नहीं चल रहा। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो मजहब हमारे लिए मजहब आ गया? आज बहुत अच्छा ज़रूरत है कि हम अपने जो भी नुमाइंदे चुनते हैं वो इस्लाम के मुताबिक होंगे तो फ़ायदा देंगे। अगर इस्लाम के हटके से चलते हैं, जितनी भी पार्टी खड़ी हैं अपनी अपनी बात करते हैं, मजहब की बात जो इस्लाम की बात है कोई कोई करता है, अगर ये सब एक एक झंडे पे आ जाएं तो ये मुल्क उसी तरह बेहतरीन चलेगा जैसे जिस बुनियाद पर बना है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, आज तक कोई ऐसा नुमाइंदा पाकिस्तान में आया है जिसने मजहब के मुताबिक पाकिस्तान को चलाया? जिसको चलाना चाहते हैं वो चला नहीं सकते, जिसको ऊपर आपके ख्याल में कोई एक आप बता दें, कोई एक वज़ीरे आज़म, कोई सदर या कोई आपके यार वो बंदा था वो इस्लाम के मुताबिक चला रहा? पहले तो पता नहीं, सुना है बड़ों से सुना है, जनरल अयूब था वो, उसने काम किया था, उसके बाद कोई भी है उसने अपनी पार्टी को बनाने के लिए किया। ठीक है, अभी जो हमारे मुल्क में जो निज़ाम चल रहा है वो यहूदी निज़ाम चल रहा है, इस्लामी निज़ाम नहीं। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मजहब पाकिस्तानियों के लिए सबसे पहले है? मतलब निज़ाम सारा हम यहूदियों का बकौल आपके यहूदियों का निज़ाम चला रहे हैं, और जब बात आती है हम कहते हैं इस्लाम सबसे पहले। ये मुनाफ़त नहीं है कि करते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और हमारा प्रैक्टिकली कुछ और? लेकिन आज हमें सब कौम को इकट्ठा होना चाहिए, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें उस पर अमल करें, उसके हट से कोई भी जमात है, चाहे मैं हूँ, किसी जमात से तल्लक मेरा हो, लेकिन जब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें वही कामयाब है। अगर उसको हम सामने करेंगे तो हमारा मुल्क इंशाल्लाह दोबारा उसी जिस बुनियाद पर बना है उसी पर बुनियाद भी इंशाल्लाह मजबूत हो जाएगा। चले, ये आपकी राय थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद मोहसिन। क्या करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं, मुझे ये बताएं, एज ए पाकिस्तानी, आप एक पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तानी के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए कि आपके लिए पाकिस्तान पहले है या मजहब पहले है, तो क्या जवाब दें? मजहब पहले है। पाकिस्तान नहीं पहले? नहीं। तो मजहब पहले है, क्यों मजहब पहले है, कोई एक लॉजिक? मजहब इसलिए पहले है कि जब पाकिस्तान बना था उससे पहले इस्लामी नाम रखा गया था, इस्लामी से मकसद यानी कि इस्लाम के नाम पे बना। जी, इस्लाम के नाम पे बना था, तो हमारा मजहब इस्लाम है, तो पाकिस्तान बाद में इसका नाम रखा गया था, पहले मजहब था। यानी आपके नज़दीक लॉजिक ये है कि पहले इस्लाम था, पाकिस्तान बाद में बना, इसलिए हमारे लिए इस्लाम पहले है। ठीक है, आप ये बताएं, हमारा जो पाकिस्तान है वो, हम तो ये कहते हैं हमारे लिए मजहब पहले है और यहाँ पर इस्लामी नफाज होना चाहिए कवानीन का, तो हमारा ये मुल्क इस्लाम के मुताबिक चल रहा है, इस्लाम के कवानीन के मुताबिक? बिल्कुल नहीं चल रहा। फिर हम कैसे कहें, मतलब आवाम कहती है कि इस्लामी होना चाहिए तो चल इस्लाम के मुताबिक? हुक्मरानों को चाहिए ना, वो कहते हैं। हुक्मरान आप लाते हैं, हम लोग लाते हैं। ये तो आपकी बात राइट है, लेकिन हम तो ये सोच के लाते हैं ना कि जो भी आएगा अच्छा होगा, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर आप ये जैसे जदीद दौर चल रहा है, आपको लगता है कि अगर यहाँ पर इस्लामी नफाज आ जाए, इस्लामी कवानीन आ जाए पाकिस्तान में, तो मुल्क तेजी से तरक्की करेगा? बिल्कुल करेगा, अगर इस्लामी नफाज ये कानून, इस्लामी कानून हो जाए ना, इस्लाम के तौर पर ये सब निज़ाम चलाए, तो फिर मुल्क तरक्की करेगा तेजी से। जबरदस्त, आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? आप भाईजान पढ़े लिखे लग रहे हैं, बोलेंगे कुछ? आप बोलेंगे सर? क्या बोलने बताएं? आपसे यही मेरा आज का सवाल ये है कि आप पाकिस्तानी हैं? क्यों नहीं है? ठीक है, मुसलमान है। ये बताएं, आपके लिए पाकिस्तान पहले है या मजहब पहले? पाकिस्तान भी है तो मजहब भी, दोनों चीज होनी चाहिए। पहले अगर एक बात, मजहब जो है ना अपना, वो नहीं भूलना चाहिए इंसान को। अच्छी बात है, बिल्कुल मजहब तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, भूल जाता है सब कुछ, भूल जाता है। लेकिन अगर पाकिस्तान नेशन की बात की जाए, नेशन में तो बहुत ही मुस्लिम भी आ जाते हैं, गैर मुस्लिम हिंदू भी इधर रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, उस हवाले से तो उनका अपना फेल है, उनका मुसलमानों का अपना तरीका होना चाहिए, अपना तरीका होना चाहिए। ये पाकिस्तान बना भी इस्लाम के नाम पे था, आपको इसी तरह इसी तरह क्या ये इस्लाम के मुताबिक चल होना जी? नहीं, चल तो नहीं रहा, लेकिन ये इनको चलाना चाहिए। ये अंकल जी क्या बात हुई, मुझे थोड़ा समझाएं, देखने वाले को समझाएं। अभी मैं जिससे भी पूछूंगा या पूछ रहा हूँ, सारे कह रहे हैं मजहब पहले, मजहब पहले, लेकिन मुल्क हमारा मजहब के मुताबिक हम चला नहीं रहे। सुने, आपको बता दूं, ये हमारी हुक्मरान ठीक हो जाए ना, सब हुक्मरान हम लोग ही है ना, हमें से जाते। बात सुन ले, आपकी इतनी एज नहीं है जितने हमारा तजर्बा है,
ठीक है, इन लोगों को पहले समझाएं, हुक्मरान को, किसी के साथ ज्यादती न करें, ना किसी के साथ बदतमीजी करें, अपने हुक्मरान की तरीका चलाए। जो मजदूर आदमी को मार के लाता है उसका चूल्हा कैसे जलता है, पता है? ये चला के देते हैं किसी को, अपने खजाने पूरे कर रहे हैं, अपने खजाने पूरे कर रहे हैं। आप वर्कर है, आपको सैलरी मिलती है, आपको कितनी मिलती है सैलरी? अच्छी मिलती है तकरीबन, फिर भी मुझे अच्छी सैलरी मिलती है, छोड़ें चले, मुझे 1.5 लाख मिलती है। 1.5 लाख, 1.5 लाख आप क्या करते हैं? आप मेरी तरफ आगे मुझे ये बताएं, आपके बाद आपकी जवाब दूंगा इसी वक्त। पहले अपने हुक्मनाम को ठीक करें, बकाया अवाम को ठीक करें, जब हुक्मनाम ठीक हो गए ना सब ठीक हो जाएंगे। मुल्क इस्लाम के मुताबिक नहीं चल रहा, मजहब के मुताबिक नहीं चल रहा है, मुझे बताएं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जी पहले मजहब हो, मतलब जब चल ही नहीं रहा फिर? पास बच्चे, मैं मजहब की आपको बताता हूँ, पहले हुक्मरान को ठीक करना। हुक्मरान आप लाते हैं ना, मैं कैसे लग जाऊँ? हम लोग इनको करते हैं, पढ़ते हैं। आप बता दें, आप बता दें कौन सा हुक्मरान लाना चाहिए आपकी मर्जी का? हुक्मरान जी अच्छे थे, उनको दिन पहले मार दिए लोगों को। इसको कोई नाम भी बता दें, अयूब था, यही था, बटो था, वो अच्छे थे, वो इस्लाम के मुताबिक सब कर रहे थे, ठीक है। इनको मार दिया इन लोगों ने, उन्होंने पक्के मुगाई थी, कहाँ पे मुगाई थी? की बात नहीं, मैं इस्लाम की बात, मजहब की बात कर रहा हूँ। इस्लाम यार, मेरी पहले बात सुनो, इस्लाम भी ठीक है, आपकी बात इस्लाम पहले होना चाहिए, लेकिन ये पैसे वाले सब खराब कर रहे हैं ना, पैसे वाले सब ठीक है खराब कर रहे हैं ना। इनके पास पैसा आता है, कहाँ से पेंट शर्ट लेके पहन लेते हैं, कहाँ से इतनी बड़ी गाड़ी आती है इनके पास, बताओ? ये बात तो सोच आ जाती है, ये पेमेंट नहीं करते, क्या ईमानदारी करते हैं? आप वर्कर हैं, आप यहाँ पे रोड पे खड़े हैं, आपको पानी पूछ रहे, कुछ बचाए पूछ रहे, खाना पूछ रहे, पूछ रहे आपसे कोई, कौन पूछ रहा है बताए मुझे? वो तो किसी की मर्जी है, वो खाना पूछे ना पूछे। चले, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? इशारत। क्या करते हैं? मैं कंप्यूटर जॉब, कंप्यूटर की जॉब करते हैं। फिर आज का टॉपिक जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि ऐसे पाकिस्तानी, आपके लिए पाकिस्तान पहले है या मजहब पहले है? पहले मजहब है जी। पहले मजहब है और हर पाकिस्तानी के लिए पहले मजहब है जी। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि हमारा ये जो मुल्क पाकिस्तान है ये मजहब की बुनियाद पर तो बना था, इसमें कोई शक नहीं कि जो हमारा नारा था, दो कौमी नजरिया था, वो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना था और यही बना था कि हम यहाँ पर मुसलमान अलहदा रहेंगे, आज़ादी से रहेंगे और इस्लाम की प्रैक्टिसेस करेंगे। क्या आपको लगता है कि हम इस्लाम के मुताबिक चल रहे हैं, हमारा मुल्क इस्लाम के मुताबिक चल रहा है? बिल्कुल, हमारा मुल्क इस्लाम के मुताबिक चल रहा है। हमारा मुल्क इस्लाम के मुताबिक चल रहा है, तो इस्लाम में जो सूद लेना हराम है, गलत है, तो वो हम लेते हैं, हर साल लेते हैं और उसके बगैर हमारा मुल्क नहीं चलता, जो हम IMF से कर्ज लेते हैं। वो तो मुल्क को चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मुल्क को चलाने के लिए वही बात है ना, मुल्क को चलाने के लिए हम इस्लाम को भूल जाते हैं। नहीं, इस्लाम है ना। आप ये बताएं, हमारा मुल्क इस्लाम के मुताबिक चल रहा है तो कैसे चल रहा है? कौन सी चीजें हमारी, जो अगर कानून की बात की जाए, क्या वो इस्लाम के मुताबिक है? कानून तो इस्लाम के मुताबिक है। तो जो हमें सजाएं मिलती हैं, अगर कोई चोरी करता है, अगर कोई जना करता है, अगर कोई क्या नाम लेते हैं, इस कोई भी मतलब कोई भी जुर्म करता है, उसको जो सजा है वो इस्लाम के मुताबिक मिलती है? इस्लाम के मुताबिक ही मिलना चाहिए। मिलती, मैं ये पूछ रहा हूँ, इस्लाम के मुताबिक मिलती है? वो तो नहीं मिलती इस्लाम के मुताबिक। इसका मतलब है हमारा कानून कहीं ना कहीं थोड़ा सा, हम बात तो इस्लाम की करते हैं, मजहब की करते हैं, लेकिन देखा जाए तो हमारा जो कानून है या जो निजाम है वो इस्लाम के मुताबिक नहीं चलता। बिल्कुल। मोहम्मद हनीफ और मोहम्मद, क्या करते हैं आप? जिम्मेदारा। आप क्या करते हैं? मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक हूँ। मैकेनिक है आप, अच्छा। मैं अगर आपसे पूछूँ, एज ए पाकिस्तानी, आप पहले पाकिस्तान को प्रायोरिटी देंगे या फिर आप मजहब को प्रायोरिटी देंगे? सर, हम मजहब को प्रायोरिटी देंगे। उसकी क्या मतलब, आप समझते हैं हमारा मुल्क जो सा पाकिस्तान है, इसमें नो डाउट कोई शक नहीं कि वो कलमे के नाम पर बना था, इस्लाम के मजहब के नाम पर बना था, लेकिन आपने तो ये कह दिया कि हम मजहब को प्रायोरिटी देंगे, मजहब को पहले रखते हैं, तो आप ये बताएं कि ये पाकिस्तान में सारा कुछ हो रहा है वो इस्लाम के कवानीन के मुताबिक हो रहा है? नहीं सर, जो भी इस्लाम के क्या कवानीन के मुताबिक हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। आप कैसे कह सकते हैं कि मजहब को पहले? मजहब को पहले रखें, क्या मुसलमान है? वो तो बात ठीक है, एक तरफ हम कहते हैं मजहब को पहले रखेंगे, दूसरी साइड पे आप खुद कह रहे हैं कि कुछ भी इस्लाम के मुताबिक नहीं हो रहा। यहाँ पे कोई चीज भी नहीं इस्लाम के मुताबिक हो, अगर इस्लाम के मुताबिक चलना चाहिए तो इस्लाम को पहले आगे रखना चाहिए ना। आप क्या अंकल जी कुछ इस हवाले से कहना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, मुल्क चलाने के लिए मजहब को पहले रखना चाहिए या फिर जो एक जमहूरी निजाम है या जो भी निजाम चल रहे हैं, मुल्क को पहले तरजीह देनी चाहिए या मजहब? मजहब को। मजहब को। तो हमारा मुल्क